हम लोगों ने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किया था, एग्रीड? यस सर। नाउ जस्ट टेल मी, एक मिनट, या सर एक डाउट था। हाँ बोलो सर, वो एक बार वापस बताओगे कि जैसे वॉल्यूम डबल कर दिया तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ क्यों होंगे? बेटा, जब तुमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का हाफ किया, कंसंट्रेशन हाफ होगा। अच्छा हाँ सॉरी, अरे देखना यार, अगर मैंने सपोज कर एक मोल ऐड किया एक लीटर में, ठीक है, और अगर मैंने वॉल्यूम दो लीटर कर दिया, सोचो खुद ही, सपोज करो, एक मिनट, नहीं सर समझा, वो मैं कंसंट्रेशन वॉल्यूम गलती से मिस कंफ्यूज हो गया। ओके, तो अगर वॉल्यूम को अगर डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो ही जाएगा ना फाइनली? हाँ सर वही। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। एक बात बताओ, सपोज करो कि एक इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट प्रेशर पे, लेट्स से PCl5 गैस है जो कि PCl3 गैस और Cl2 गैस के साथ है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम ऑलरेडी प्रेशर दे रखा है एक atm, दो atm और दो atm, एग्रीड? हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम में ना हम लोगों ने दो atm हीलियम डाल दिया, ठीक है। लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम इस कंटेनर का 10 लीटर्स था, मुझे ना फाइनल वॉल्यूम चाहिए जहां पर फाइनल वॉल्यूम एट विच न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेंड। कुछ नहीं ओम, जस्ट एक क्वेश्चन दिया है वाला, ठीक है। तो PCl5, PCl3 एंड Cl2 गैस इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। हमने क्या किया, एक दो एटीएम हीलियम का डाल दिया, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही। तो इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर था, तुमको ना फाइनल वॉल्यूम बताना है जहां पे ना नया इक्विलिब्रियम अटेन हो, बताओ जी। टाइम लो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आफ्टर टू और थ्री मिनट्स वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, क्या चल रहा है दिमाग में सर? 50/7 60/7 50/7 ओके, कैसे किया, मतलब हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम सर? वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हीलियम था ना? नहीं बेटा, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था ना, अभी तो सर पहले हम इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालेंगे और फिर जब पहले तो ये बताओ कि बाहर का जो प्रेशर है वो कितना होगा? 180। नहीं सोचो दोबारा सर, ये अगर पिस्टन रेस्ट पर है तो बाहर का प्रेशर कितना होगा? 580। हाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, 5? अगर एक्सटर्नल प्रेशर 5 हो गया तो तुमको इतना पता लग गया ना कि सारा काम 5 प्रेशर पे ही हो रहा है। ओके ओके, या गाइस,
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ सर? पिस्टन फिक्स्ड है क्या? पिस्टन फिक्स क्यों होगा? अभी तो कांस्टेंट कांस्टेंट है. पिस्टन फिक्स होता तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता. अगर पिस्टन बनाया तो इसका मतलब मूवमेंट पॉसिबल है ना सर? तो स्टार्टिंग में 5 एटीएम है बट बाद में तो चेंज हो जाएगा ना. हाँ बेटा बट बाद में जैसे ही तुम ऐड करोगे तो प्रेशर अंदर का बढ़ेगा. हाँ सर. जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को क्या होगा? बाहर का प्रेशर 5, अंदर का प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा सर? इंक्रीज होगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 और Cl2 क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा उसके बाद? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. गेटिंग इट? फिर जाके एक वॉल्यूम आ जाएगा और एक प्रेशर आ जाएगा जहां पे दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. राइट. मुझे वो वाला वॉल्यूम चाहिए जहां पे नया इक्विलिब्रियम अटेन हुआ. गेटिंग इट? गाइस हो गया? सर एक मिनट हो रहा. ओके. तुमने क्या अजम्पशन क्या लिया अभी तक? गाइस अजम्पशन क्या लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कुछ तो अज्यूम किया होगा ना पहले. हाँ एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है. बहुत बढ़िया. उसके अलावा क्या अज्यूम किया? और कौन सी चीज कांस्टेंट होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो? केपी मोल्स. हाँ केपी केपी मोल्स कैसे रहे? सर केपी आपने इनिशियली इक्विलिब्रियम दिया है तो वहां से निकाल लेंगे. हाँ ठीक है. अब एक काम करें मैं सॉल्व करूं इसको कि अभी भी तुम्हें टाइम चाहिए? टाइम चाहिए. लो 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 टाइम लो. सुनो अभी गाइस पहला सबसे पहले तुम थॉट प्रोसेस बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा. ठीक है क्योंकि वो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. एक बार बताओ पहले ना PCl5 PCl3 Cl2 इक्विलिब्रियम में तो मेरा दिमाग सबसे पहले ये कहता है कि आप पहले ना KP कैलकुलेट कर लेते हैं. केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. एग्रीड? विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 दैट कम्स आउट टू बी 480. एनी डाउट? ये भाई साहब हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. अब कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो बाहर का जो प्रेशर होगा पी एक्सटर्नल दैट पी एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बिकॉज द पिस्टन इज एट रेस्ट. तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होना चाहिए विच इज इक्वल टू 580. एग्रीड? अब जो थॉट प्रोसेस आएगा दिमाग में वो आएगा जैसे ही तुमने हीलियम गैस ऐड किया तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया. तो अगर अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो अंदर की जो गैस है वो पिस्टन को क्या करेगी? बाहर की तरफ पुश करेगी. जैसे पिस्टन बाहर की तरफ पुश हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो गया?
डिक्रीज हो गया। फिर अगर इन सबके प्रेशर डिक्रीज हो गए तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? पोजीशन स्टेट में आना। हाँ, तो दोबारा क्या होगा, 180 में से कुछ रिएक्ट करेगा, 280 कुछ बढ़ेगा, ये भी कुछ बढ़ेगा, फाइनली एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। गेटिंग इट? उस नए वॉल्यूम पे। श्योर बाबा? यही है जी। अभी बात बताओ, मैंने क्या किया अभी, लेट से जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो वी हो गया, कितना हो गया वी? तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट से द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बिकम्स वी। सर एक डाउट है, एक मिनट तुम्हारा डाउट लेता हूँ, पहले इतना समझ लो वॉल्यूम वी हो गया। हाँ आप बोलो सर। ऊपर जब हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो फिर टोटल जो है वो 5 ATM है, तो फिर हम लोगों को फ्रैक्शन लेना चाहिए ना, 2/5 × 2/5 / 1/5। क्यों सर? पार्शियल प्रेशर होता है अपना प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर ना। प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन होता है ना, पार्शियल प्रेशर कहां होता है? अच्छा हाँ ओके सर, समझा सर। पार्शियल प्रेशर तो दे ही रखा है ना, प्रेशर जो है उस गैस का। पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में कंफ्यूज क्यों होते हो? इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अच्छा ठीक है, होम वील चेक इट आउट। देखो हमने क्या अज्यूम किया, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इसका वी। जो तुमने हीलियम गैस 2 ATM ऐड किया था जब वॉल्यूम 10 लीटर था, वो हीलियम गैस का प्रेशर क्या 2 ATM ही रहेगा जब वॉल्यूम वी लीटर हो जाएगा? नो सर। नहीं, तो एक बार बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ नहीं रहे ना। जब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं ना P1 × V1 = P2 × V2। तो जो फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया दैट इज 20/V। कोई डाउट? हमने 2 ATM ऐड किया था 10 लीटर पे, तो वो 2 ATM वी लीटर पे इतना रह गया। कोई डाउट? वेरी गुड। एक बात बताओ, PCl5 गैस था इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इनिशियल प्रेशर हमने पहले ना PCl5 का 1 ATM था, 1 ATM 10 लीटर पे था ना बेटा, तो V लीटर पे कितना हो जाएगा? 1 × 10/V, करेक्ट। और ये कितना बचेगा? 20/V। ये कितना बचेगा? 20/V। जब फाइनल वॉल्यूम V हुआ तो क्या प्रेशर 1122 रहेगा कि 10/V, 20/V और 20/V हो जाएगा? यही होगा ना। हाँ सर। अच्छा, उस कंडीशन पे जब वॉल्यूम बढ़ा तो तुमने कहा कि सर रिएक्शन कहाँ जाएगी? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो माइनस क्या करूं सर? माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये फाइनल इक्विलिब्रियम के प्रेशर आ गए। कोई डाउट? जब वॉल्यूम वी था, नया वॉल्यूम वी था, इतना समझ में आया? सर आपने वो 10/V कैसे किया, एक बार वापस बताओ ना। या बेटा, अगर इनिशियल प्रेशर PCl5 का 1 था तो P1 × V1 = P2 × V2, तो फाइनल P कितना आ जाएगा? 10/V। तो मतलब जो 1 ATM हुआ करता था पहले, अब वही 1 ATM एक्चुअली कितना बच गया V वॉल्यूम पे? 10/V। एग्रीड? 10/V। और तुमने कहा उस 10/V में से भी सर फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ाने के बाद ना पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गैसेस को कम कर दिया। एग्रीड? एग्रीड गाइस, समझ में आया इतना? अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 किसके इक्वल होना चाहिए? R. तो ये हो जाएगा 20V प्लस X का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10/V माइनस X इज इक्वल टू 4। एनी डाउट इन दैट गाइस? एनी डाउट इन दैट?
नो सर। ओके नाउ अंडरस्टैंड, अगर इतना समझ में आ गया तुमको, ठीक है इतना कर लिया। तो इसके बाद एक और चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCL5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ PCL3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CL2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम फाइनल कंटेनर में 5 एटीएम के इक्वली होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCL5 कितना दे रखा था? 10 बाय वी माइनस एक्स, 20 बाय वी प्लस एक्स, 20 बाय वी प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 20 बाय वी। कोई डाउट? इज इक्वल टू 5। एनी डाउट इन दैट? नो सर। आप रिपीट कीजिए ना। मैंने कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इन सब का समेशन ऑफ प्रेशर, जो भी गैसेस इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, ये सारी गैसेस, इनका जो समीशन होगा वो 5 एटीएम के इक्वल होगा, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है। तो फाइनल प्रेशर ऑफ PCL5 इक्विलिब्रियम में इतना हो गया, करेक्ट? PCL3 का प्रेशर इतना हो गया, CL2 का प्रेशर इतना हो गया, और हीलियम का प्रेशर हमने इतना निकाला, तो इतना हो गया, करेक्ट? तो इन सब का जो समीशन होना चाहिए था वो 5 के इक्वल होना चाहिए था, राइट? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके सर, तो x दोनों तरीके से आ सकता है? हाँ, अब एक बात बताओ। नहीं, दो तरीके से नहीं बेटा, देखना, एक वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, तो एक बात बता, इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास? 70 बाय वी प्लस 2x, सॉरी प्लस x इज इक्वल टू 5, ये हो गया। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम इक्वल टू, वन सेकेंड, तो हमारे पास आ गया 70 बाय वी प्लस x इज इक्वल टू 5। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 माइनस 70 बाय वी। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या आएगी? 4 इज इक्वल टू 20 बाय वी प्लस x, तो 5 माइनस 70 बाय वी प्लस 20 बाय वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 बाय वी माइनस x, तो 10 बाय वी माइनस 5 प्लस 70 बाय वी। एनी डाउट? मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस 50 बाय वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 80 बाय वी माइनस 5 इज इक्वल टू 4। डन गाइस, समझ में आया इतना? अरे बाबा, समझ में आया इतना? हाँ सर। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास v आ जाएगा। एक काम करते हैं, 1 बाय v को ना y ले लेते हैं, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 माइनस 50 वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 80 वाई माइनस 5। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। 25 प्लस 2500 वाई स्क्वायर माइनस 500 वाई इज इक्वल टू 400 वाई, सॉरी 320 वाई माइनस 20। एग्रीड? तो आई विल बी गेटिंग 2500 वाई स्क्वायर माइनस 820 वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 500 वाई स्क्वायर माइनस 164 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गेटिंग इट गाइस? समझ में आया?
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 1 / v आ जाएगा। डन सर, दो वैल्यूज हैं। हां बेटा, एक वैल्यू कुछ ज्यादा ही एब्सर्ड होगी तो वो नहीं लेनी पड़ेगी। सपोज करो नहीं सर, दोनों पॉजिटिव है। कितनी आ रही है सर? एक 14 के अराउंड आ रही है, एक 3 के अराउंड आ रही है। वेरी गुड। एक बार बताओ, अगर वॉल्यूम एक 14 के अराउंड आ रहा है और एक 3 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, 3 वाला नहीं लेंगे। 14 वाला नहीं लोगे ना सर? वॉल्यूम बड़ा था ना, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ ना। हाँ, तो तुम्हारे वाई की वैल्यू है, वी की वैल्यू है सर? वी की वैल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 14 लोगे, गेटिंग इट? 3 तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस यस। चले आगे, बात समझ में आई? किया कैसे? अच्छा, इसको करने का कोई और तरीका है क्या सर? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सोचा था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स से भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा बढ़ा जाएगा। वही सर, वो प्रेशर से मोल कन्वर्जन समझ में नहीं आया मुझे। आता है नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते ना, अगर टेम्परेचर टी है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? पी इंटू वी by RT, पहले काई के बारे में सोचो, 20 RT at 20 by RT, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। हां सर। और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स भी 20 by RT आ जाएंगे, करेक्ट? करेक्ट, हां सर। अब क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम जब V होगा, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के तो चेंज नहीं होंगे, करेक्ट? बट इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। हाँ, तो उस नंबर ऑफ मोल्स को तुम बढ़ा दो। तुम एक काम करो, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेक करना है इसको, तो PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर नंबर ऑफ मोल्स से करोगे ना तो बेटर समझ में आएगा, बट लंबा प्रोसेस है। तो तुम्हारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इधर, ये है तुम्हारा 10 by RT, करेक्ट? इसका है 20 by RT, इसका भी 20 by RT। तुम बोलोगे सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, कोई डाउट? नो सर, ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए नए इक्विलिब्रियम पे, गेटिंग इट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने थे? 20 by RT, एनी डाउट? वेरी गुड। केपी तो 4 ही रहेगा। उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए इक्विलिब्रियम पे, तो प्रेशर कैलकुलेट कर लो कि पी वी इक्वल टू NRT से। यस। तो इसको अगर पी वी इक्वल टू NRT करोगे तो N तो दे रखा है, तो RT by V आ जाएगा। सर केपी को कैसे नहीं बना देंगे, क्या फायदा, लंबा प्रोसेस है वो। अच्छा, इस बेटर प्रेशर ले लो ना, तो नया वॉल्यूम वी आ गया, करेक्ट? करेक्ट, यस। ये क्या है, प्रेशर है, उसने बोला चलो ठीक है ना, उसमें से एक्स प्रेशर रिएक्ट किया, तो एक्स प्रेशर रिएक्ट किया तो X by RT ले लो, X by RT ले लो और X by RT ले लो, ठीक है? अंडरस्टूड? Understood? Yes. Understood what I did here? Sir, first of all, good. देखो यार, ये number of moles हो गए, correct? Number of moles तुम्हारे इतने आ गए। अब तुम बोलोगे सर इसको हम किस में convert करते हैं? Pressure. Pressure में convert करोगे तो किससे multiply करना पड़ेगा? RT by V से? हाँ, तो N into RT करोगे तो ये तो गया, तो आ जाएगा 10 माइनस XRT by V, 10 by V, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 by V प्लस XRT by V, करेक्ट? 20 by सेम एक्सप्रेशन आ गया। हाँ, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा हीलियम का? N into RT by V हो जाएगा, तो 20 by V हो जाएगा, गेटिंग इट? यस। अभी सुनो, ये प्रेशर हो गया, तो मैं इसको XRT by V को y ले लूं, 10 by v में से चलो y रिएक्ट किया, 20 by v में से चलो y रिएक्ट किया, प्लस y बना, 20 by v में से y बना, कोई डाउट? ये प्रेशर आ जाएगा, कोई इश्यू? No. Very good.
तो एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इतना आ गया और ये नया प्रेशर आ गया हीलियम का, तो टोटल प्रेशर जब समीशन करोगे तो तुम्हारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, 50 बाय वी प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस इसका 20 बाय वी हीलियम का प्रेशर इज इक्वल टू 580 एम, और इसका रेशियो वही इक्वेशन आ गई जो हमारे पास पहले आई थी, गेटिंग इट? तो नंबर ऑफ मोल्स से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मत अटकना, क्योंकि तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो ये XRT बाय V जो है वो तुम्हारा प्रेशर है 10 बाय V में से जो रिएक्ट किया, तो मैंने उस प्रेशर को Y मान लिया, गेटिंग इट? सिंपल, गेटिंग इट? यस। हाँ, तो तुम्हारे पास वही इक्वेशन आएगी जो हमारे पास पहले आई थी। सर हाँ बेटा, बेटा मैंने क्या बोला, ये नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे, तुमने कहा उसमें से ना कुछ रिएक्ट करेगा, एग्रीड? बेटा जितना रिएक्ट करेगा उतना बनेगा ना, अब जितना रिएक्ट किया उतना बन गया, तो ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, करेक्ट? अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर तुमने वापस से नंबर ऑफ मोल्स को RT बाय V से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास प्रेशर आ जाएगा, फाइनल प्रेशर। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को RT बाय V से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करे थे, तो x इंटू RT बाय V ये हो गया प्रेशर जो रिएक्ट करेगा, करेक्ट? ये हो जाएगा प्रेशर जो बनेगा, ये जो प्रेशर है वो जो बनेगा, तो तुम्हारे पास वही इक्वेशन आ गई जो हमारे पास पहले आई। गाइस लिख लिया तुम लोगों ने, या उसको ऑल अप करना, सर मैं V14 आया था ना? हाँ, किसी ने तो बोला किसको ही कैलकुलेशन करके कि V14 आएगा सर, तो फिर X0 आएगा, क्यों सर? वो 5-70 बाय V ना, तो फिर 14 नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा जो इक्वेशन से, कुछ और आएगा, हमने y की वैल्यू 0.069 आई थी। हाँ, y की वैल्यू 0.069 और 0.25 आई थी। ओके, 0.069 0.25 y की वैल्यू आई थी ना? हाँ सर। तो y की वैल्यू अगर इतनी आई थी तो y is 1/V, राइट? तुम्हारा बोलना कौन कौन, ये लिख लिया गाइस, पहले तो बताओ ये लिखा, तो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट दिखाइए ना एक बार, ये लिखा, हाँ ये लिखा, हाँ ये लिखा, हाँ ये लिखा, बस एक मिनट, गाइस सबने लिख लिया ये सर, 2 मिनट। ओके, सर मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है सर, इक्वेशन आ गया लेकिन आंसर 125/9 के अराउंड रहेगी, कितना आएगा बेटा सर? 125/9, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया। ओके, ये क्वेश्चन अभी बनाया था मैंने, ठीक है, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आए इसमें, इज़न्ट इट? हाँ सर, सर चलो, दो इक्वेशन आए बस सॉल्व करना। चलें आगे गाइस। Yes, sir. Okay, now listen. Effect of temperature on equilibrium. ठीक है?
सपोज करो दो इक्वेशन लिखी है तुम्हारे लिए, ठीक है दा? दोनों इक्वेशन कौन सी है? ए गिव्स बी और इधर सी गिव्स डी, ठीक है? ये रिएक्शन ना एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। वेरी गुड, तो एंडो है, ये एक्सो है। अगर ये एक्सो है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड। ए चले से इंडो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट जो है वो थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर। और एक्सो का मतलब होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो एज अ प्रोडक्ट हीट भी निकलेगा। गेटिंग इट? यस सर। तो ये इंडो है, ये एक्सो है। एनी डाउट? वेरी गुड यार, एक एनसीईआरटी वाला नॉर्मल सा धक्यानुसी चीज है, वो कहता है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं हीट दे रहा हूँ। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आई एम सप्लाइंग हीट, राइट? यस। इफ आई एम सप्लाइंग हीट तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जहां पे हीट कम हो रहा है। कहाँ पे हीट कम हो रहा है मुझे बताओ? फॉरवर्ड जाएगा तो हीट कम हो रहा है, बैकवर्ड जाएगा तो हीट कम हो रहा है? फॉरवर्ड जाएगा तो हीट फॉरवर्ड जाएगा। ओके, ना एक बार बताइए, पूरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहा है, ठीक है? अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो ए जो है वो हीट कम कर रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग, राइट? तो हीट डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट बेटा? बैकवर्ड गए तो हीट और बनेगा, राइट? अगर बैकवर्ड गए तो आई विल बी गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगेन, करेक्ट? अगर सपोज करो इसी रिएक्शन में टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? हीट कम कर रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि हीट क्या करे? वो क्योंकि हीट बढ़ाना है। एग्जैक्टली, हीट बढ़ाना है तो बैकवर्ड जाएगा। एनी डाउट? ये तुम्हारा कौन सा है? Your NCRT version, getting it? But KC change होगा ना? हाँ, मतलब answer वही आएगा, मतलब predict कर सकते हो उससे। अगर suppose करो इस reaction के लिए, अगर तुमने temperature बढ़ाया, तो तुमने actually heat दिया, right? Backward. तो reaction goes backward. यहाँ पे अगर temperature कम किया तो तुमने heat कम किया, तो heat बढ़ाना चाहेगा, तो reaction goes forward. Agreed? Agreed? यार एक बात बताओ, आपने अभी तक जितने भी ली चार्टलियर प्रिंसिपल करे हैं, उन ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा? हमने कोई भी चेंजेस करे हैं तो हमने बोला है कि फाइनली रिएक्शन क्वेश्चन बनता है और रिएक्शन क्वेश्चन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है टू अटेन केपी, राइट? यस। तो हम कुछ चेंजेस ऐसे कर रहे हैं जिसके अंदर ना तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन ये डिसाइड करता है कि भैया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसको वापस से अटेन करें जो टेम्परेचर कांस्टेंट था, करेक्ट? यार एक बार बताओ, जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा कि वही रहेगा? बदलेगा। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा था, कोई भी चेंज कर रहे थे ना हम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था, अंडरस्टैंड? फिर हम डिसाइड करे थे, अरे बाबा ये तो क्यू सी हो गया, क्यू पी हो गया, अब तो उसको के पी अटेन करना है। तो अगर क्यू जो था वो के से ज्यादा था तो बैकवर्ड जा रहा था, जो क्यू जो था वो के से कम था तो फॉरवर्ड जा रहा था। एग्रीड? एग्रीड। अब इसके अंदर के ही चेंज हो रहा है, अंडरस्टूड? इसके अंदर हमने टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ के ही चेंज कर दिया। Getting it? So ideally speaking, it should not be a part of Lee-Chatelier principle. पर फिर भी हम उसको ना Lee-Chatelier principle के अंडर स्टडी करते हैं, understood? Lee-Chatelier principle का जो application है ना वो constant temperature में समझ में आता है, because equilibrium constant change नहीं होता। हाँ, तो equilibrium कोई भी जद्दोजहद करती है वापस equilibrium constant attain करने के लिए। तो फिर ये predictions कैसे बोल देंगे? नहीं, ये तो देखो, ये तो NCERT version है, अभी actual version बताऊंगा तुमको, जो actual version है ना वो भी सही बताता, मतलब इसी के accordingly answer आता। देखिए, अब forward जाने का मतलब है equilibrium constant बढ़ रहा है, तभी तो product बनेंगे।
बैकवर्ड जाने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा तो रिएक्टेंट बन रहा, तो इसमें मैं रिएक्शन क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम. एग्जैक्टली. नाउ ओम, मैंने क्या बोला, अगर तुम किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हो, सपोज टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुमने हीट दिया, हाँ या ना? ए जिंगुल. हाँ सर. अगर तुमने हीट दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, हीट कम करना कि हीट देना? हीट कम करना. तो अगर वो बैकवर्ड गया तो हीट प्रोड्यूस होगी ना? हाँ सर. अगर फॉरवर्ड गया तो हीट डिक्रीज होगी. तो ये कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड. समझा? हाँ सर, समझ गया. वेरी गुड गाइस, अंडरस्टूड? आगे चलें. यस सर. नाउ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करने के लिए ना the very first thing which you have to understand is Arrhenius equation. Remember, we have done law of mass action. हमने law of mass action किया था, right? Now understand. अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, मैंने क्या कहा था, हर एक रिएक्शन का ना एक रेट कांस्टेंट होता है. गेटिंग इट? एग्रीड? अरे हाँ या ना? भूल दिया. अभी एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो था रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. एग्रीड? टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड रेट कोएफिशिएंट. रेट कॉन्स्टेंट. एग्रीड? अच्छा, ये रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर हाई होगी तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा. तो दिस रेट कॉन्स्टेंट डिसाइडेड अबाउट डिसाइड्स फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट? नाउ मेरी बात सुनो, होता क्या है, अरिनियस इक्वेशन क्या है, अरिनियस इक्वेशन कहता है कि रेट कांस्टेंट जो है ना दैट इज इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी. ये अरिनियस इक्वेशन है. गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज थिंग्स इज. के इज रेट कांस्टेंट. सर सर ऊपर जाइए एक मिनट. नहीं नहीं इतना नहीं. अरिनियस इक्वेशन. हाँ सर, ये आर क्या है? रेट कांस्टेंट. रेट रेट आर इज रेट और के जो है वो रेट कांस्टेंट है. ठीक है, हो गया. आगे चलें. सर आपने लास्ट इक्वेशन क्या लिखा? हाँ सर, k is equal to a dot e minus ea by rt, e की पावर माइनस ea by rt, ये लिखा. बता रहा हूँ क्या है ये, अभी बताने वाला था, तुमने बोला ऊपर चलो, राइट? ठीक है सर, हो गया. हो गया. नाउ लिसन. हाँ ea by rt बता रहा हूँ, रुक जाओ. a क्या है? ये अरिनियस इक्वेशन है. ए जो है ना इसको बोला जाता है अरिनियस कांस्टेंट. क्योंकि ये अरिनियस कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले लिखा जाता है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है. और अरिनियस कांस्टेंट को ए को कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है. नाउ व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स विच आर occurring
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, गेटिंग इट, इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, एंड दिस इज योर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, अगर ई ए की वैल्यू जूल्स में है तो आर की वैल्यू जूल्स में लोगे 8.31, अगर ई ए की वैल्यू कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू उस कैलोरी में लोगे 2, वेयर टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ये तुम्हारा अरिहेनियस इक्वेशन है, नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं, हाँ वही 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 थर्मो वाला एक्टिवेशन एनर्जी है। रुको अभी, इतना समझ में आया गाइस, इतना लिख लो, देन वी विल मूव इट। सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट दिखाइए ना एक बार। दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? क्या सर एक्टिवेशन एनर्जी? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ठीक है, गिव मी सम टाइम, ठीक है। सब बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है क्या नहीं, बस अभी लिख लो जितना लिखना है, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ ना उतना लिख लो अभी, है ना, लिख लिया गाइस? Yes, sir. Good. Okay, now listen, everyone. Now, what do you mean by activation energy? ठीक है, activation energy का definition. EA का definition क्या है? It is the minimum amount of energy which is required by reactant molecules or reactants in order to start slash initiate a reaction. जब तक किसी रिएक्शन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। हमने आई गेस थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था कि अगर तुम कोल लेते हो एंड तुम्हें अगर कोल को बर्न करना है तो उसको पूरी तरह बर्न करने के लिए पहले हीट सप्लाई देनी पड़ती है। एक बार हीट सप्लाई और हीट गेन करने के बाद वो बर्न होना शुरू होता है तो बर्न करता ही रहता है ना, बार बार तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेट्रोल ले लिया उसमें तुम्हें स्पार्क देना पड़ता है, जैसे तुमने एक स्पार्क दे दिया तो पेट्रोल जलना शुरू होता है, और एक बार पूरा पेट्रोल जल ना जाए तब तक वो रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी तुमने दिया है ना उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ग्राफ बना रहा हूँ, समझना है इस चीज को। ये एनर्जी है, एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड लेट्स से, सॉरी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये तुम्हारा रिएक्शन पाथवे है, इसे रिएक्शन पाथवे भी बोल सकते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो, या इसको रिएक्शन टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब टाइम ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है फॉर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ रिएक्टेंट ले लिया तुमने ए, तो ए को ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर स्टेट,
जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, वो भाई साहब डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट में। वो तो ए की एनर्जी ऑलरेडी इतनी है, तो ए को जितना एनर्जी देना पड़ा ना ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, व्हाट इज टीएस? ट्रांजिशन स्टेट। जितना एनर्जी देना पड़ा ना उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, गेटिंग इट? और हाँ, अगर तुम इसको जीरो एनर्जी लाइन से कंपेयर कर रहे हो तो इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। ये थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है। नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ए का ऑलरेडी कुछ एनर्जी है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाए। जब तक ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शन में नहीं बनता तब तक वो प्रोडक्ट में डिकम्पोज नहीं होता है। नाउ व्हाट द हेल इज ट्रांजिशन स्टेट? इट इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट। Where bond breakage and bond formation takes place simultaneously. एक काम करते हैं, एक reaction study करते हैं, एक मिनट। लिख लो भाई। हाँ सर। सर थोड़ा सा नीचे की जो ग्राफ देख रहे हैं। हाँ देता हूँ पहले लिखने दे बच्चे को, जो स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लिख लिया सर, ये ग्राफ के थ्रू आपने जो एक्सप्लेन किया एक बार वापस बता सकते हो? हाँ, मैंने कहा था ये ना रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट की एनर्जी को मतलब इस रिएक्टेंट को ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होता है तो फॉर्म प्रोडक्ट। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती ना तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता। और हर एक रिएक्टेंट का एक काम होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना वो हाई एनर्जी स्टेट बनाए जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जब तक वो अचीव नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ए को मुझे इतना एनर्जी देना पड़ा जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं ताकि ट्रांजिशन स्टेट बने और वो रिएक्ट करे। गेटिंग इट? ओके सर। सर वो नीचे भी है। प्लीज कॉल अप एंड शो द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके एक मिनट। तो ग्राफ पे पी क्या है? क्या ग्राफ पॉइंट अगर ए से बी दे रहा है तो बी क्या होगा? एनर्जी और प्रोडक्ट होगा ना? नहीं सर, पी पी क्या प्रोडक्ट है? पी प्रोडक्ट होगा बाबा, पी फॉर प्रोडक्ट। सर ये डॉटेड लाइन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, वो जो नीचे से जीरो लाइन से एनर्जी कैलकुलेट होती है ना, टाइम डॉटेड लाइन तो इनिशियल रिएक्टेंट एनर्जी है ना? ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है उसे डेल्टा एच कहते हैं, है ना? है ना? हाँ। बताओ ये एक्सो की इंडोर? सर
एक्सो नहीं एंडो है, एंडो एक्सो है हल्का, बी की एनर्जी देख ए से कम है कि ज्यादा है? कम है, कम है। तो ये जो ए जो है जब बी बनेगा तो एनर्जी लूज होगी गेन होगी? लूज होगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। अंडरस्टूड सर? ये ग्राफ कहना क्या चाहता है? ये ग्राफ ये कहना चाहता है किसी भी रिएक्शन के लिए ना रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए होती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि ट्रांजिशन स्टेट बने। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा, ये तात्पर्य इस ग्राफ का। गेटिंग इट? समझे? समझ गया। हाँ सर नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ बस हर एक रिएक्शन को ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो ये तुम बोलोगे सर कोई रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, फॉर एग्जांपल एसिड और बेस को डाल दो, बट अगर वो रूम टेम्परेचर दे देता है एनर्जी। डन? Guys, over. Sir, एक सेकंड वो ग्राफ दिखाओ ना। देखोगे? सच्ची? एक मिनट सर, ये डेल्टा एच नेगेटिव का कैसे आपने बताया? बेटा बी की जो एनर्जी है वो ना ए से कम है, तो जब ए बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना। अच्छा अच्छा, एनर्जी ऑफ एयर एनर्जी ऑफ बी के बीच में सर, मतलब वो देखना नहीं पड़ा कि ट्रांजिशन स्टेट कहां पे है। हाँ, बस फाइनल इनिशियल। हाँ ऑब्वियसली इनिशियल और फाइनल से पता लगेगा ना कि फाइनल एनर्जी कितनी है, इनिशियल कितनी है, उसे तो पता लगेगा कि नेट एनर्जी चेंज कितना आ रहा है। हाँ सर, मैंने सोचा कि वो एब्जॉर्ब करके रख लेगा। हाँ गाइस समझ में आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोला हाँ। अच्छा सुनो मेरी बात। ओके नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन स्टेट? एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेट जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में होता है। तो लेट्स से एक स्टेज, एक रिएक्शन ले लेते हैं, 2HI गिव्स H2 एंड I2। तो बताए क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट में? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, ठीक है। जब तक ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन होगा क्या? तो हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन शुड कोलाइड विद ईच अदर, है ना। अब जब भी ये कोलाइड करेंगे ना, जब तक इनका कोलिजन, हाँ बेटा, जब तक इनका कोलिजन जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी जितना नहीं होता है। सपोज दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, गेटिंग इट? जिंगल सर। हाँ बेटा। सर एक बार वो रिएक्शन जैसे लिखा है वहां से बताओ ना, लैग हो गया। कोई नहीं, बताता हूँ। देखो ये दो मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब तक ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जब तक कोलिजन एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ग्रेटर देन ना हो, तब तक क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? No, sir. नहीं। तो मतलब मुझे पता है कि रिएक्शन ना कोलिजन की वजह से होता है, और जब तक कोलिजन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, जब तक उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ना जाए, तब तक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा नहीं।
जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट क्या तब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, हमने क्या किया, एक रिएक्शन कंसीडर किया, 2HI gives H2NI2। तो अब क्या अज्यूम करें कि रिएक्टेंट ना आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते ना तो इनिशियली ना मेरे को थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है ताकि जो इनिशियली प्रोड्यूस बॉन्ड है वो थोड़े से टूट जाए, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब थोड़े से बॉन्ड टूट गए तभी हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ये जो आयोडीन है ना दूसरे आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो दिस इज नथिंग बट बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड ब्रेकेज, एग्री। इस पर्टिकुलर स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल पूरा डीकम्पोज हो जाएगा टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस, अंडरस्टूड? सर ऐसा कुछ थर्मो में भी बताया था ना। हाँ बेटा ऐसा कुछ बहुत बार बताया है बट अभी तुमको दोबारा से बताया, सेम ही बताया था। गेटिंग इट? सेम ही। अरे गेटिंग इट? हाँ। चले आज मतलब जब तक मॉलिक्यूल और कोई भी रिएक्शन ये पर्टिकुलर स्टेज नहीं बनाएगा तब तक क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये बनाने के लिए इस रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अंडरस्टूड? आप मतलब समझो अरहेनियस इक्वेशन का, ठीक है? सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार एनर्जी प्रोवाइड करी सारे बॉन्ड्स टूटे फिर चालू होगा? नहीं नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ अभी सुनो यार, भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। तो ए तो था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हमारे पास ना अरहेनियस इक्वेशन के अंदर ई माइनस ई ए बाय आर टी था, करेक्ट? ई ए बाय आर टी का मतलब होता है, ई माइनस ई ए बाय आर टी का मतलब होता है इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तुम्हें पता है ना हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व किया था, याद है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था कि नहीं था? था सर। वेरी गुड। यहाँ पे वेलोसिटी थी बट अब वो वेलोसिटी को वी स्क्वायर लिख के हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको एनर्जी लिख सकता हूँ, करेक्ट? यस। अब तो एक बताओ जैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट था ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वैसे ही ना एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब समझो मेरी बात को, लेट से रिएक्शन करवाने के लिए ना दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, गेटिंग इट? इस फ्रैक्शन के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है और इस पूरे फ्रैक्शन के पास इतनी एनर्जी है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, गेटिंग इट? तो मैं कह रहा हूं कि यही फ्रैक्शन रिएक्ट करेगा, बाकी का ये फ्रैक्शन रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वेरी गुड, ग्रेट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अब अरहेनियस इक्वेशन में वापस आते हैं। K इज इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितनी कोलिजन हो रही हैं पर यूनिट टाइम, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स प्रोडक्ट। अब सपोज करो रिएक्शन है ए गिव्स बी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, कोई डाउट? कोई डाउट? वेरी गुड। यार इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से 1000 मॉलिक्यूल्स जो है ना ए के कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं गाइस, कितने कोलाइड कर रहे हैं? एक बताया 1000 के 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे क्या पर यूनिट टाइम?
अगर किसी ने बोला है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इज 0.1, तो 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं. गेटिंग इट सर? वापस बताना वो हजार के हजार मतलब. मैं कह रहा हूँ अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, ठीक है, जो कोलाइड करे पर यूनिट टाइम में, तो क्या 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? नो सर. नहीं, अगर मॉलिक्यूल्स के पास 0.1 फ्रैक्शन है, मतलब 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिव एनर्जी जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर उससे ज्यादा है तो वो 0.1 फ्रैक्शन है. तो अगर 1000 मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कोलाइड कर रहे हैं तो पर यूनिट टाइम कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे होंगे? तो है ना, तो ये बताओ द नंबर ऑफ कोलिजन विच आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इज 100. कैसे किया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई किया तो तुमको पता लग गया कि पर यूनिट टाइम कितने प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. एग्रीड? Yes. उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट. अब एक बात बताओ, ठीक है, एक रिएक्शन है, यही रिएक्शन ले लिया मैं, मान लेता हूँ ये जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी. कोई डाउट? मैं मान लेता हूँ K1 जो है ना और जो K2 है वो रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 and T2. लिख सकता हूं? करेक्ट? करेक्ट. तो एक काम करें, इस अरिनियस इक्वेशन के अंदर ना वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट K1 होगा जब टेम्परेचर कितना होगा? T1. और ये K2 होगा जब टेम्परेचर क्या होगा? T2. Very good. एक बार बताओ, shall I write down that K1 is equal to A dot E minus EA1 by EA by RT1. Getting it? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, तो चल, तो ये पहला हो गया. K2 is equal to A dot E minus EA by RT2. कोई डाउट? नहीं. तो एक काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं या फिर नेचुरल लॉग रेशियो ले लो. तो क्या आ जाएगा? K2 by K1 is equal to AA कट गया, बचा गया E minus EA by RT2 divided by E minus EA by RT1. लिख सकता हूँ? EA by R भार ले लिया, ऊपर आ जाएगा 1/T1 - 1/T2. कोई डाउट? समझ में आया? ओए मेरे मिट्टी के शेरों, समझ में आया? तो एक काम करना, नेचुरल लॉग ले लो. नेचुरल लॉग ऑफ K2 by K1 will become equal to natural log e का लोगे तो हट जाता है वो, तो आ जाएगा ea by r 1/T1 - 1/T2. कोई डाउट? which is also equal to log of k2 by k1 is equal to ea by 2.303 r 1/T1 - 1/T2. 1/T1 - 1/T2. Agreed, guys? Yes. ये तुम्हारा हो गया effect of change of rate constant. Sir, minus sign किधर गया? क्या? Minus sign किधर? कौन सा minus sign? Minus ea upon r का ना sir. बताए क्या हुआ? Bracket के अंदर गया. अच्छा अच्छा okay 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 okay. तो हाँ. गाइस स्क्रॉल करना नीचे या ऊपर? ऊपर ऊपर और ऊपर. हाँ यस, बस बस और ऊपर.
हाँ इधर से। वेरी गुड। नीचे करूँ स्क्रॉल? ये कहाँ स्क्रॉल हो गया भाई? इसके बाद हमने क्या किया था? क्या बस ये सनीत ठीक है से थोड़ा ऊपर। नहीं नहीं इधर ही सर इधर। स्क्रॉल करना है नीचे। हाँ सर। सर एक मिनट। सर अलग टेम्परेचर पे अरिनियस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी? अलग टेम्परेचर पे अरिनियस कांस्टेंट चेंज नहीं होगा सर? नहीं 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 बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है, छोड़ दो टेंशन मत लो। मैं मान गया वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो कोलिजन बढ़ना चाहिए बट नेग्लिजिबल चेंज आता है। ठीक है तो वी हैव ऑल मेक इट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। चले आगे। Yes, sir. So last line. क्या कह रहे हैं? ये नीचे 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 सर नीचे और नीचे। हाँ सर। ए बबूज लिखा सबने, स्क्रॉल डाउन करूं? नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना आता है ना? हाँ सर। ऊपर 3.3। हाँ चले आगे। लॉग का बेस 10 है ना वो? हाँ बेटा जब लॉग लिखा तो बेस 10, अगर नेचुरल लॉग लिखा होता तो बेस ई। चले तो मेरे लाल पीलो हरे नीलो आगे चले। चलिए सुनो अभी कहाँ थे हम लोग? इक्विलिब्रियम। ठीक है तो अफेक्ट चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेट टेम्परेचर। अभी तो हमने रेट कांस्टेंट का स्टडी किया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टडी करते हैं। एक बात बताओ, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एग्रीड? यहाँ एनर्जी है, यहाँ टाइम है। इस एक डायग्राम को क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। गेटिंग इट? सुनो अगर सपोज करो एक इक्विलिब्रियम है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, या जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो कितनी रिएक्शन से मिलके बनती है? दो दो। अच्छा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? के एफ। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? के डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेंपरेचर लिखा है ओम। हाँ, के एफ बाय के बी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब एक काम करते हैं, लेट्स से ना ए जो है ना, ए उसका एनर्जी यहाँ है, ए को क्या होगा इतना एनर्जी चाहिए होगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बना वो डिकम्पोज करके प्रोडक्ट बनाया होगा, और अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनना है तो ये प्रोडक्ट वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, फिर से रिएक्टेंट बनेगा, फिर ए ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, रिएक्टेंट बनेगा, फिर ये चलता रहेगा, गेटिंग इट, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड? ओए भूमूस, अंडरस्टूड? यस। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एनर्जी ऑफ ए, दिस इज एनर्जी ऑफ बी, कोई डाउट? अहम अच्छा, ए को ना ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए। हाँ। तो इसे क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, गेटिंग इट? अच्छा ओके। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ना वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? बी से डी। हाँ, इतनी। तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा तो डायरेक्शन तो स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, ए टू बी की बी टू ए? बी टू ए। बी टू ए। इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, ए और बी के बीच में ना एक डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला ईएएफ और ईएफ, उसमें क्या कैसे होगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ईए बैकवर्ड और ईए फॉरवर्ड के टर्म्स में कैसे लेके आओगे? चले से बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड वाला कुछ के बताओ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड। एक बार बताओ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडो? एक्सो। एक्सो। तो डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड की ईए बैकवर्ड माइनस ईए फॉरवर्ड? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। डेल्टा एच होता है ना हमेशा ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड होता है, ठीक है? सर आप वो लास्ट पॉइंट एक बार वापस समझा सकते हो? कौन सा वाला लास्ट पॉइंट? सर वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। हाँ, मैंने बोला डेल्टा एच क्या होगा, तो बच्चों ने बोला कि सर हमने डेल्टा एच इसको बोलेंगे, इसको, करेक्ट? यस सर। मैंने कहा यार ये फॉरवर्ड है, ठीक है, और ये बैकवर्ड है, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा? यस सर। तो मैंने बोला डेल्टा एच क्या होगा, तो किसी ने बोला ये बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, तो ये बैकवर्ड तुम्हारा ये है, राइट, और ये फॉरवर्ड तुम्हारा ये है, करेक्ट? यस सर। तो ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड करोगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा, बट डेल्टा एच एक्चुअली है क्या? नेगेटिव। तो हमने डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बनाया, ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अंडरस्टूड? हमेशा ये रहता, ओम हमेशा वही रहेगा, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सो, डेल्टा एच इज ऑलवेज ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ठीक है? समझ में आई बात? हेलो। यस सर। इतना लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो।
सर ये आर किसके लिए है, डेल्टा एच के नीचे रिएक्शन डेल्टा एच आर डेल्टा एच ऑफ हां 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 ओके लिख लिया सबने। ओए लिख लिया? यस सर। अब स्टैम्प बकवास है ये। अच्छा सर वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ पता है मेरे को स्टैम्प है वो स्टैम्प। हाँ सर क्वेश्चन मार्क स्टैम्प। हाँ ये भी स्टैम्प है, ये बताने के लिए काम आता है कौन सी चीज देखनी है तुमने। ए डन। सर हर एनर्जी बफर डायग्राम ऐसा दिखता है। हाँ अच्छा दिखता है, स्टैम्प्स के बिना तो अच्छा दिखता है क्या? हाँ हाँ अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। हाँ ए चले आगे बोलो हाँ या ना। सर ये ए और बी नहीं, ये जो एनर्जी प्रोफाइल है इसका जो कर्व वो ये जो ए के यहाँ से नोटेड लाइन जा रही है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वो कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? नहीं नहीं कोई स्पेशल पॉइंट नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ए डन गाइस मेरी बात सुनो, सुन रहे हो? हाँ एक काम करते हैं, ए इज एन इक्विलिब्रियम विद बी ले रहे हैं ठीक है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, एनी डाउट? एनी डाउट? चलो ऐसे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू ए ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू ई माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय आर टी, कोई डाउट? अरे बाबा हाँ या ना, अरिनियस इक्वल रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू अरिनियस कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इनटू ई माइनस ई ए बैकवर्ड बाय आर टी, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? अच्छा के एफ बाय के बी क्या होता है? इट बी ए एफ बाय ए बी ई माइनस ea forward minus ea backward by rt, लिख सकते हैं बाबा? दोनों को डिवाइड कर दो कि नहीं सकते? तो k by kb क्या होता है गाइस? k equilibrium। तो ये कितना आ जाएगा, af by ab को ना a बोल देते हैं ठीक है, एक अनदर कांस्टेंट into e minus ea forward minus ea backward क्या आ जाएगा? delta h by rt, कोई doubt? तो shall I say that equilibrium constant है ना वो temperature के साथ इस तरीके से depend करता है, instead of activation energy वहाँ पे क्या आता है? delta h, where a is equal to af by ab, कोई doubt? नहीं नहीं वो दे रखी होगी उसमें ठीक है, वही पता होगी। हाँ हाँ पता होगी, टेंशन नहीं। एक बार बताओ नेचुरल लॉग ले सकते हो? हाँ नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, लिख सकता हूँ? other words log to the equilibrium constant is equal to log to the power log a minus delta h by 2.303 rt, bhi likh sakta hu hai ki nahi? a bhumus ha ya na? yes sir। acha ek baat batao, tape ne mein dhyan deta tumhara bab, kabhi kabhi pata hai kya hota hai क्वेश्चन है ना उसमें ये लिखा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम 1000 माइनस 2000 बाय टी, सॉरी लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1000 माइनस 2000 बाय टी, ठीक है? वो बोलते हैं भाई साहब डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन का, तो यार
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो ये वाली इक्वेशन है कि नहीं? तो एक बार बताओ, कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, लॉग ये कितना हो जाएगा 1000, और ये 1/T है, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच बाय 2.303 आर इज इक्वल टू 2000 के इक्वल होगा। आर की वैल्यू तुम्हारे ऊपर है, जो भी डालोगे उसके हिसाब से डेल्टा एच आएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, बच्चे ना ये भूल जाते हैं, 2.303 डालना, वहां पे बहुत सॉलिड चोट पड़ती है, गेटिंग, मतलब आता आता नहीं आता फिर, गॉट इट? ओके, गॉट इट, गुड, लिख लो अभी। लिख लिया? नहीं रुको, ओके सर, थोड़ा ऊपर सुन लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ बस, या और ऊपर? बस बस आई ग्रू ओए मेरे लाल पीलो हरे नीलो, आगे चले, यस डन सर, ओके गाइस चले आगे। हेलो, यस सर, ओके नाउ लिसन, हमारे पास एक इक्वेशन आया, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस टू सॉरी डेल्टा एच बाय आर माइनस डेल्टा एच बाय आर 2.303 आर 1/T, एग्रीड है ना? Yes, तो हम मान लेते हैं के इक्विलिब्रियम 1, के इक्विलिब्रियम 2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, कोई डाउट? तो log equilibrium constant 1 is equal to log A minus delta H by 2.303 R 1/T1, लिख सकता हूँ? सर थोड़ा ऊपर सो कीजिए एक मिनट, अच्छा आपने नया पेज लिया? हाँ एक मिनट रुक, इतना हो गया सर, एक मिनट ना, डन सर, गुड, नाउ व्हाट विल डू, लॉग के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अगेन माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर T2, डन, एग्रीड, यस सर, टू माइनस वन करो तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 क्या हो जाएगा, लॉग K2 by K1, गेटिंग इट, लॉग ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल्टा एच बाय 2.303 आर कॉमन ले लोगे तो 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा, गेटिंग इट, ये इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और रेट कांस्टेंट के अंदर डेल्टा एच जगह क्या आता है, एक्टिवेशन, अंडरस्टूड,
तो अगर डेल्टा एच लोगे इस इक्वेशन में तो के इक्विलिब्रियम, और एक्टिवेशन एनर्जी लोगे तो रेट कांस्टेंट. अंडरस्टूड? यस सर. हाँ चलें आगे. सर जब रेट कांस्टेंट वाला होगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का अलग अलग आएगा ना? हाँ हाँ, रेट कांस्टेंट में फॉरवर्ड के लिए ये फॉरवर्ड आएगा और बैकवर्ड के लिए ये बैकवर्ड आएगा. अरे वाह मेरे लाल, सो प्राउड ऑफ यू. सर ये नेचुरल लॉग में ये क्या था इक्वेशन? क्या कह रहा? नेचुरल लॉग में हेलो नेचुरल सर. हाँ ये डेल्टा एच को हर बार पॉजिटिव ही लेना है. डेल्टा एच बार हर बार पॉजिटिव ही लेना है? नहीं जरूरी नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? डिपेंड करेगा ना फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा. ओके सर. सर आप पिछले पेज पे जा सकते हैं प्लीज. ओके ले खुश रह तू. Done guys? Yes sir. Yes. Yes. चलो ग्रेट. हो गया हो गया. हो गया हो गया. चलो फाइन, यू जस्ट टेक ब्रेक नाउ. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास कौन सी तुम्हारी? के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के रेट कांस्टेंट है, फर्क तो है ही ना बेटा. कैसी बातें कर रहे हो? रेट कांस्टेंट तुम्हारा के. तुम्हारे कोई नेक्स्ट क्लास है क्या? शायद दूसरे आईडी से होगी. चल ये एंड कर दो. ओके ठीक है, बाय. थैंक यू सर. बाय. हां बाय बाय. थैंक यू सर. बाय बाय सर. थैंक यू. बाय सर. बाय बाय बाय.